आर्यन को लेके कितना सब कुछ चल रहा है। या दैट इज़ वेरी सैड यार, आई होप मैं ऑल प्रे के सब ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, क्योंकि उसके पेरेंट्स कितने यू नो परेशान होंगे। आई जस्ट वॉन्ट एवरीथिंग टू गो फाइन, बस मैं वही चाहता हूँ कि सब जल्दी सॉल्व हो और तकलीफ ना हो आर्यन को किसी भी चीज़ की, और हमारी भी सिंपथी है एंड वी वांट के शाहरुख भाई को और टॉर्चर ना हो, मतलब तकलीफ और ना दी जाए। हम तो मैं भी यही प्रे कर रहा था कि जल्दी सब सॉल्व हो जाए। दो ढाई साल हो गए हमारे मड वाले घर पे नहीं गए थे हम लोग, लॉकडाउन भी लगा हुआ था, उसके बाद फिर लॉकडाउन खुला तो हम लोग शूटिंग में बिजी हो गए, तो अभी अपने घर जा रहे हैं। थैंक गॉड मास्क से रिलीफ नहीं है, लेकिन वैसे रिलीफ है, अभी एक्साइटेड है, सब काम वाम सब शुरू हो जाएगा, सब यू नो महाराष्ट्र हैज टेकन केयर, सो आई एम सो हैप्पी। बिग बॉस चल रहा है, उसके बारे में कुछ कहना चाहिए? अरे क्या बोलूँ रोज तो बोलती हूँ ट्विटर पे, मुझे लगता है ये बेस्ट सीजन होगा 13 के बाद, ये सबसे बेस्ट सीजन होगा, बहुत अच्छे कॉन्टेस्टेंट्स लिए, मुझे तो बहुत पसंद है। आर्यन को लेके कितना सब कुछ चल रहा है? या दैट इज़ वेरी सैड यार, आई होप मैं ऑल प्रे के सब ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, क्योंकि उसके पेरेंट्स कितने यू नो परेशान होंगे। आई जस्ट वॉन्ट एवरीथिंग टू गो फाइन, बस मैं वही चाहता हूँ कि सब जल्दी सॉल्व हो और तकलीफ ना हो आर्यन को किसी भी चीज़ की, और हमारी भी सिंपथी है एंड वी वांट के शाहरुख भाई को और टॉर्चर ना हो, मतलब तकलीफ और ना दी जाए। हम तो मैं भी यही प्रे कर रहा था कि जल्दी सब सॉल्व हो जाए। या आई विश द सेम, क्योंकि अभी हम पेरेंट्स हैं सो वी अंडरस्टैंड ना, तो आई रियली फील फॉर शाहरुख एंड गौरी, आई होप एवरीथिंग गेट्स सॉल्व वेरी फास्ट एंड ईजीली। गोविंदा जी को लेकर भी बहुत स्टेटमेंट आ रहे जा रहे हैं, अगर आप उस पर कुछ, कौन कर रहा है वो, मतलब इस तरह का? गोविंदा जी इज़ अ वेरी गुड एक्टर, वी आई रियली लाइक हिम एज एन एक्टर, बाकी आई डोंट नो एनी वन अदर देन दैट, मैं मैनेजर्स के बारे में नहीं बात करती। थैंक यू मैम।